बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको कोड सेव करने का तरीक़ाकार बताना है जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। अब कोड कौन सा है सेव करना है और कैसे सेव करना है और प्रूफ अपने पास क्यों रखना है उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा और जो है वो डिटेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट को वर्कशॉप से रिलेटेड डाटा शो कर सकूँ, असाइनमेंट मार्क्स में ही आई थिंक सो गिवन है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर वर्कशॉप के नंबर आपके कुछ के नहीं लगे। ठीक है, और वहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है कि आपने वर्कशॉप अटेंड किया या नहीं। अब ये ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपने ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट टीचर को भेजी यानी कि ऑनलाइन अपलोड की है। ठीक है, तो ये कुछ अर्से तक रिकॉर्ड जो है होपफुल आपका ये बार कोड वगैरह चेंज हो जाएगा क्योंकि आपके नए कोर्स कोड एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने पास सबूत लाजमी रखना है कि आपने उसको अपलोड किया था असाइनमेंट को, और असाइनमेंट का प्रूफ अपने पास लाजमी रखना है जो कि अक्सर स्टूडेंट अपने पास नहीं रखते। ठीक है, तो वो रखने का मकसद ये होता है कि आप जो है अगर फ्यूचर में आप लोगों को फेल किया जाता है या वो ये कहते हैं कि आपने फाइल ही अपलोड नहीं की थी तो कम से कम आपके पास सबूत होगा कि आपके पास आपने फाइल अपलोड किया है। पहले आपने होम पेज से जाते हुए इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है क्योंकि इसके अंदर एक आई डी लिखी हुई है 52319, ये आपका ग्रुप है। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो ये आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट का नाम आ गया है और ये आपका ग्रुप आ गया। ठीक है, एक तो आपने इसका स्क्रीनशॉट बना के रख लेना है और दूसरा इस होम पेज का। ठीक है, जहाँ पर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है यहाँ पर आपका जो है वो सारी डिटेल शो हो रही है, आपने इसकी डिटेल का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब इसमें आपका ये जो कोड आ रहा है यानी कि ग्रुप कोड आपका और आपका यहाँ पर सबमिट आ रहा है कि इस टाइम पर, ठीक है, इस डेट पर जो है वो आपका पेपर शुरू हुआ और इस बच्चे ने ये ग्रीन कलर में सबमिट आ रहा है और ये आपका फाइल का नाम है और फाइल आपने कितने बजे सबमिट की। ठीक है, और इसका आपने स्क्रीनशॉट लाजमी बनाना है। ठीक है, इसको लाजमी स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सेव रख लो ताकि फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर फॉर एग्जांपल आपके नंबर नहीं लगते या ऐड अप नहीं होते तो आप ये कह सकते हो कि मैंने इस ग्रुप से इम्तिहान दे रहा था, ठीक है, मेरे नंबर नहीं लगे, काइंडली अपना रिकॉर्ड चेक करें और ये मेरे पास सबूत है कि मैंने असाइनमेंट भेजी थी। अब जैसे आप लोग पर्थ के ज़रिए या TCS के ज़रिए आप करते हो तो वो आपके पास TCS का सबूत होता है। ठीक है, जो कि आप अटैच करते हो कि भाई मैंने जो है ना वो TCS के ज़रिए असाइनमेंट भेजी थी मगर मेरी जो है वो असाइनमेंट टीचर ने नंबर नहीं लगाए। ठीक है, ऑनलाइन में आपके पास कोई सबूत नहीं होगा तो मैंने आपको ये इसी चीज़ से आगाह करना है कि प्लीज़ अपने पास ये प्रूफ लाजमी रखो आप लोग सारे स्टूडेंट। इसी तरह जो BA, BSc, BCom वाले हैं वो जिनका मैनुअल असाइनमेंट भेजनी है वो अपने पास पर्थ का स्क्रीनशॉट लाजमी रखेंगे, पर्थ अटैच करेंगे और जो है वो TCS या DCS या पाकिस्तान, मैं बेस्ट यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान कुरियर सर्विस इस्तेमाल करें। ठीक है, और उसकी रिसिप्ट जो है वो अपने पास एज ए प्रूफ अपने पास सेव रखें ताकि फ्यूचर में अगर आपके नंबर ऐड अप नहीं होते तो आपके पास वो सबूत होगा। अब जल्दी से आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देता हूँ क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF में भेज सकते हैं बेटा, जिस फॉर्मेट में आपका दिल करता है आप उसमें अपलोड कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट और PDF एक्सेप्टेड है। अगर एक क्वेश्चन में 600 या 800 वर्ड्स यूज़ हों तो कैसे काउंट करेंगे? पहली चीज़ है वर्ड्स को एक लाइन में आप काउंट कर लो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर फरी के मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि फरार ने एक लाइन में 21 लफ्ज़ लिखे हैं और 21 और ऐसे आपने काउंट कर लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों के साथ तो आपको पता चल जाएगा। मेरी अलबत्ता एक्सेप्टेड वीडियो है वो आप ज़रूर देखोगे। पेपर नहीं मिल रहा, हसन को पेपर नहीं मिल रहा, कौन सा कोड है हसन? मुझे फ़ौरन आप मेल करो या UU info पर। सर मैं ने 1 मंथ हो गए हैं वेरिफिकेशन सेंड किए हुए लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई अभी तक, प्लीज़ इकरा आप मुझे मेल करो AIUUinfo@gmail.com पर, आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। सेमेस्टर स्प्रिंग की एडमिशन कंफर्म नहीं हुए, कब तक होंगे?
स्प्रिंग के कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ के इन प्रोसेस हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की समझ नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पर कि तमाम के एडमिशन बीए के कंफर्म हो गए हैं, लेकिन बीए के अभी कुछ के अभी अभी तक मैसेज आ रहे हैं। सर एमए के पेपर कब से हैं? एमए के पेपर बेटा आपके होंगे जुलाई में। ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर सो मच फॉर क्रिएशन, थैंक यू सो मच। सैयद सहर ने मुझे कमेंट किया, उसके बाद सुभान ने कहा है सर फीस जैस पे से, लेकिन पैसे चलान नंबर नहीं है, न्यू चलान कहाँ से मिलेगा? चेक योर चलान स्टेटस बेटा, न्यू चलान अब आपको नहीं मिल सकता क्योंकि ओल्ड चलान अब एक्सपायर हो चुके हैं। सर असाइनमेंट कब तक बता सकते हैं? नहीं हो रही। राजा आपने असाइनमेंट क्यों अपलोड करनी है? असाइनमेंट का तो डेट ही ख़त्म हो चुकी है। न्यू चलान फॉर्म रीअपेयर सब्जेक्ट की फ़ीस किधर से मेंशन करें? रीअपेयर की फ़ीस जो है ना वो आप ऑनलाइन चलान फॉर्म पे देखोगे तो वहाँ पर रीअपेयर का ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। निमचंद, थैंक यू सो मच, वेलकम, माई प्लेजर। उसके बाद सर मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई हल बताएं? सेम एज इट इज़ एप्लीकेशन दो और अपना इस इशू को सॉल्व करो। सर फाइल अपलोड हुई है गलती से और कैसे रिमूव करेंगे? कामिर आप मेरी ऊपर वाली वीडियो देख लो एलएमएस वाली, इसमें मैंने आपके साथ कंप्लीट वीडियो एलएमएस की शेयर की और बताया कि कैसे रिमूव करनी है। सर मैंने बीएड का पेपर उर्दू में टाइप करके तो नहीं, आबिदा प्रवीण आप उसको आबिद सॉरी आप प्रवीण आप उसको टाइप करो तो बेहतर है, उसको हैंड रिटन कर लो बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई लाइक, ग्रेटफुल फॉर हेल्पिंग, थैंक यू सो मच आसिफ फॉर दिस लाइकिंग बंडल ऑफ थैंक, थैंक यू सो मच। उसके बाद कोई बता सकता है? एमए टीचर एजुकेशन के बेटा एमए वालों के इम्तिहानात जुलाई में हैं और डेट शीट जुलाई में आएगी, किस मुश्किल में डाल दिया? कोई मुश्किल में नहीं है विली स्टाइल, आप जस्ट वेट करो, सिस्टम अच्छा है, अपडेट हो रहा है और ये आपके लिए बेहतर है कि आपके जल्दी नंबर लगेंगे और जल्दी सेमेस्टर क्लियर होगा। सर सेकेंड क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हुआ, क्यों सेकेंड क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं अपलोड हुआ आपका? एमए टीचर एजुकेशन का स्टाइल पेपर आज होगा, गाइड करें। एमए एजुकेशन के यार जिनके एमए हैं उनका अभी वेट करो, ये बीएड के हो रहे हैं। फातिमा चलान नंबर बैंक से कैसे? अच्छा प्लीज़ मेरा चलान नहीं मिल रहा, बैंक से जाकर कैसे लूँ? सिंपल, बैंक से जाकर आपने मेरी यहाँ पे वेरिफिकेशन की वीडियो देखोगे, ठीक है, वेरिफिकेशन की वीडियो में बेटा वो तमाम को मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वेरिफिकेशन ऑफ चलान से आप जाओगे, डेट बताओगे, अपना नाम बताओगे कि सर मैंने इस डेट को चलान पे किया, आप मुझे बैंक का स्क्रॉल दे दें उस डेट का, उस पर आपका चलान नंबर होगा, बैंक वेरीफाइड कर देगा, इट मीन्स टू से दैट कि आपका हो गया। एमए वाले उर्दू में पेपर दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन उर्दू का है फातिमा, देन अदरवाइज परचेज असाइनमेंट से बेहतर है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि आप उर्दू में लिख दो। एमए एजुकेशन के पेपर उर्दू में दे सकते हैं? जी आप दे सकते हो अगर आपने असाइनमेंट उर्दू में टाइप किए हैं, ठीक है, उर्दू वाली वीडियो देख लो तो बेहतर है। राइट सर जी, स्टूडेंट को खुद समझना होगा, बहुत बिजी हैं, बार बार ना करें, ठीक हो गया यार, यही स्टूडेंट समझ ले। सर इम्तिहान की शीट में तलबा का नाम जी लिखो तो बेहतर है। एमएस वर्ड कौन सा वर्जन? कोई भी वर्जन कर लो, वर्जन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सर उर्दू में क्या टाइप कर सकते? एम एड जी कर सकते हो कासिम, अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन यही अवेलेबल है, आप टाइप नहीं कर सकते तो बेटा यूज़ कर लो। सर मेरा बी एड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट में इशू आ रहा है, लेटर ऑन शो हो रहा है, प्लीज़ गाइड मी। सर प्लीज़ बी एड के सेमेस्टर का रिजल्ट शो नहीं हो रहा, आई थिंक सो यू शुड कॉन्टेक्ट मी थ्रू ई मेल सो दैट आई कैन चेक योर रिकॉर्ड एंड टेल यू वट इज़ द मेन इशू बिहाइंड दैट, बिकॉज ऑनलाइन बगैर उसके मैं नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है फीस का इशू हो सकता है, आपका डबल कोर्स का इशू हो सकता है, रीअपेयर का इशू हो सकता है, पता है हज़ारों इशूज़ होते हैं, जब बंदा देखता है तो फिर बेहतर बता सकता है काइंडली। अच्छा जल्दी जल्दी कमेंट रीड करूँ वरना सर कहोगे कि बहुत टाइम खा गया हूँ आप लोगों का। काइंडली ये बता दें कि असाइनमेंट हैंड रिटन इंग्लिश में पेपर टाइप, अच्छा असाइनमेंट अगर उर्दू में लिखी है तो बेटा ये उर्दू में नहीं लिख, उर्दू में लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में किया तो बेटा इंग्लिश में करना पड़ेगा कि पीडीएफ उर्दू में डाउनलोड नहीं हो रही, इंग्लिश में पेपर दें या उर्दू में? अक्रम इंग्लिश में अगर बुक है तो अगर उर्दू में इंस्ट्रक्शन है और असाइनमेंट उर्दू में किया, मैं असाइनमेंट उर्दू में टाइप करके अपलोड की थी, आप पेपर उर्दू में टाइप कर जी कर सकते हो, बेशक हैंड रिटर्न कर लो उर्दू, ठीक है,
बट इंग्लिश में एग्जाम नहीं दे सकते। अली ने कहा है, बेटा सबको मैं यही इंग्लिश उर्दू वाला क्लियर कर देता हूँ, मेन में यही कमेंट है। ठीक है, पहली चीज़ है, मोहसिन ने भी, मोहसिन नाम लिखना और रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। उर्दू अगर आपने असाइनमेंट टाइप की है, उर्दू में लिखी है, आप पेपर उर्दू में कर लो और उसके साथ बयान हल्फी लगा दो, दैट्स इट। बट अगर किसी ने असाइनमेंट इंग्लिश में भेजी है और पेपर वो उर्दू में देना चाहता है, तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उर्दू उस सूरत में करोगे जब आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप हर तरह से आप बेबस हो चुके हो और आप परचेज असाइनमेंट की तरफ ना जाओ, इसकी जगह आप उर्दू में लिख दो, देन यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देगी। वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलोगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। टेक केयर, अल्लाह।